क्या नाम है? मेरा नाम रुपेश कुमार। किस पंचायत से हैं? सोनलिया दक्षिणी पंचायत है ये। अच्छा ये बताइए, आपने पंचवर्षीय योजना जो बीत गई उसमें क्या काम? अमूमन हमारी मिसेज मुखिया हैं और चूँकि हम वार्ड सदस्य भी हैं उसी इसके 8 नंबर से, तो जो कार्य की गई है आज जितने भी मनरेगा में कार्य हुई है वो एक सराहनीय कार्य है। जनता नाम ले रही है कि कार्य हुई है और जो भी कार्य हुई है उसका गुणवत्तापूर्ण कार्य हुई है ये पूरा जनता भी जानती है। कार्य क्या किए? कुछ ऐसे 5 सड़क बनाए, नाला बनाए जो बहुत जरूरत था कि 1-1 किलोमीटर नाला बनाए। सड़क बना तो एक पूरे पंचायत में आज एवरेज 4 किलोमीटर सड़क बनी है। किसी से जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ लोग अड्डा पर आर में चलते थे, वो उसका जगह नहीं थी, वहाँ पर भी मिट्टी का पुल पुलिया बना के अभी तत्काल मिट्टी भर के रोड बनवा दिए हैं। वहाँ फिर चुनाव के आने के बाद फिर कार्य करेंगे। शौचालय का भी कार्य किया? पूरे पंचायत में कार्य हुई है। 90% घर में शौचालय है, 10% में नहीं है। आवास के कितने लोग होते हैं? 600+। पेंशन मेरे पंचायत में लगभग 1300 पेंशनर है। अच्छा मनरेगा के तहत जो कार्य की गई है लोगों जनता के लिए कितना उपयोग में है? जितने भी कार्य की गई है 100% मनरेगा में कारगर है सब इसका। यस जैसे में जैसे भी सड़क बनाए तो सब यूज कर रहे हैं। और झाड़ू हम ज़्यादा कच्ची काम नहीं किए, मैक्सिमम पक्की काम किए हैं जो कि जनहित में देखते हुए कि कच्ची काम आ जाए कल खत्म हो जाएगा, जहाँ जरूरत था वहाँ कर। आपकी पंचायत में आप घूम रहे हैं, आपकी पंचायत में क्या सभी लोगों को घर घर पानी की सुविधा मिल रही है? 80% लोग को पानी मिला है। 80% पूरे मतलब प्रत्येक घर में मिल रहा है? हाँ 80% है। कोरोना काल में क्या कार्य किए? कोरोना काल में सैनिटाइज करवाए थे, लोग निकलने के लिए बात ही करते थे नहीं निकलिए, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ्टी के साथ आ रहे थे उनके लिए। हर जगह कैंप में हम लोग पहुँचवाए, कैंप जहाँ जहाँ लगा हुआ था उनके सुविधा को देखते हुए वहाँ से लोगों को गाड़ी से आती थी उनको सुविधा के लिए हर जगह शिफ्ट करवाते रहे। लेकिन आपको हम बता दें, आप अभी युवा हैं और जिस तरह से मनरेगा का कार्य करवाए हुए हैं और काफ़ी जो है अच्छे गुणवत्ता के से करवाए हुए हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ कार्य जो है जैसे गली नाली 7 निश्चय योजना के तहत कितने कार्य? 7 निश्चय में भी बहुत कार्य हुआ है, नली गली में बहुत कार्य भी है, बहुत वार्ड में नहीं जो वार्ड मेंबर नहीं कर पाए उनके ऊपर भी काम हो रही है। अच्छा ये बताइए, आपके पंचायत में कहीं ऐसा है जो आज इस बार नहीं हो सके, कुछ कार्य हैं जो नहीं हो सके? कार्य है तो कार्य तो होते रहता है ना, कि कार्य कितना हम करेंगे ये तो नहीं है कि 5 साल में ही सब कार्य खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बहुत जरूरी था वो हम कर दिए जो अभी तत्काल उनको जो है। हाँ तो काम कर दिए। अच्छा ये अब जो आप जीतिएगा आपकी प्राथमिकता क्या है? हर गांव में रोड बनवा देंगे जहाँ पे छुटा हुआ। इस बार हम मिट्टी भर कर पुल पुलिया बना दिए हैं, मिट्टी चूँकि मनरेगा में हम जिस उसका मशीन का उपयोग नहीं होती है तो हम लोग मिट्टी फिलिंग करके रोड बनवाए हैं और उसके बाद जब मिट्टी बैठ जाएगी तो इस बार हम लोग को किसी सड़क से जोड़। जैसे कि आप बोले कि मनरेगा में जो है मशीन का यूज नहीं होता, मनरेगा के तहत जब आप कार्य किए तो कितने लोगों को इसका जो है लाभ? कहने का मतलब है कितने लोगों को रोजगार मिला? जितना भी आवेदन करता था उनको रोजगार दिए, समय पर उनको भुगतान, समय पर भुगतान करा दिए। मेरा कहीं भी लेट नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं रुपेश कुमार, वार्ड सदस्य 8 नंबर, संध्या दक्षिण। आपके मैसेज हमारी मैसेज हमारी दीपमाला जो मुखिया भी हैं।